तो मित्रों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल भक्ति नेचर टूर्स में फिर से आपका स्वागत है। फाइनली हम जंगल सफारी में पहुंच चुके हैं। काफी यहां पर लिखा है टिकट का। हमारे ब्लॉग में आप स्वागत है। बोटिंग और जंगल सफारी ये सब होता है। और मित्रों हम फाइनली अंदर आ चुके हैं और ये समूचा एरिया जंगल सफारी का है। तो मित्रों हम जंगल सफारी में एंटर कर चुके हैं और जू के लिए ही अभी एंट्री मिला है। जंगल सफारी के लिए हमें वेट करना पड़ेगा एक आध घंटे और। तो जू में जानवरों को केज के अंदर रखा जाता है। देखते हैं वहाँ पर क्या क्या जानवर केज के अंदर हैं और आपको दिखाते हैं आगे। ये नया रायपुर में बसा हुआ एक कृत्रिम मानव निर्मित द्वारा एक जंगल सफारी है। ये है स्ट्राइपेड हाइना, इसको हम लकड़बग्घा कहते हैं। वैज्ञानिक नाम हाइना बोलते हैं इसको। और ये जो जानवर के बारे में बता रहा हूँ ये हड्डियों को भी चबाकर खा जाता है, इसको हाइना कहते हैं। ये देखिए मित्रों हाइना यहाँ पर है। हमको एक पहला जानवर यहाँ पर दिखा जिसको हम हाइना कहते हैं, इसको हिंदी में लकड़बग्घा कहते हैं। मित्रों ये काफ़ी खूंखार खतरनाक प्राणी है जिसको हाइना कहते हैं। लकड़बग्घा ये जंगलों में पाया जाता है और झुंड में शिकार करता है। ये हड्डियों को भी चबा जाता है ऐसा जानकारी मिल रहा है। ये देखिए हमें देखकर ये बैठ गया है नीचे और सोने की मुद्रा में है। ये हाइना है। भेड़िया इसको बोलते हैं, इंडियन वुल्फ कैनिस लुप्स पलिपस भेड़िया। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या दिखता है हमें। वाओ क्या बात है, ये है भेड़िया, इसे ही कहते हैं भेड़िया। क्या बात है। ये देखिए मित्रों भेड़िया है ये। मित्रों ये देखिए भेड़िया जो है खूंखार प्राणी है और जंगलों में झुंड में रहता है। झुंड में रहकर हिरणों का शिकार करता है। हिरण इनके जो है मुख्य स्वादिष्ट भोजनों में से एक है और उनका साथी है। दो यहाँ पर बाड़े में भेड़िया को रखा गया है। हम अक्सर देखते हैं मोगली के उसमें कार्टून में कि भेड़िया रहता है, ये भेड़िया है और उसके लिए यहाँ पर दो गुफा बनाया गया है रहने के लिए। ये झुंड में शिकार करते हैं मित्रों और हिरणों का शिकार करते हैं, ये भेड़िया है। ये देखिए मित्रों ये बायसन है। ये देखिए बायसन को हम दूर से देख रहे हैं, यहाँ पर ये खड़ा हुआ है, अकेला है। देखते हैं यहाँ पर कितना नीलगाय है यहाँ पर। ये देखिए नीलगाय, ये देखिए मित्रों यहाँ पर बहुत सारे नीलगाय हैं। सुनहरे रंग के नीलगाय और कुछ काले रंग के नीलगाय हैं, चमकदार सुनहरे रंग के हैं और ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। जंगलों में झुंड के झुंड ये अक्सर देखने को मिल जाता है। नीलगाय है यहाँ पर बाड़े में, बहुत सारे नीलगाय को रखा गया एक साथ जो हमें दूर से दृष्टिगोचर हो रहा है। मित्रों यहाँ पर स्पॉटेड डियर लिखा गया है। ये स्पॉटेड डियर है, स्पॉटेड यानि धब्बेदार हिरण को कहते हैं यहाँ पर। ये देखिए छोटे छोटे बहुत सारे स्पॉटेड हिरण है, डियर है, जिनके बॉडी में छोटे छोटे डॉट होता है उनको स्पॉटेड डियर कहते हैं। और मेल का ऐसे सिंग होता है। ये देखिए इसको बाड़ी में रखा गया इस तरीके से, बहुत सारे हैं। ये देखिए मित्रों हिरण लिखा है डियर और ये है मृग एंटीलोप किस कुछ इस तरीके का होता है और यहाँ पर बताया गया एंटीलोप के बारे में। और ये हिरण है, साधारण हिरण। वर्किंग डियर के बारे में बताया गया और भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में बताया गया है। मैं ऐसा हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर बार्किंग डियर है। ये देखिए एक बैठा हुआ है बार्किंग डियर। और ये देखिए चौसिंगा भी कहते हैं इसे, सुनहरे रंग का हिरण है ये।
और कुछ इस तरीके से जंगल सफारी में हमें जू में इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। और ये तो ब्लैक बग है, जिसे काला हिरण भी कहते हैं। ये देखिए बहुत सारे झुंड के झुंड है। काला हिरण जो काफ़ी रेयर प्रजाति का होता है, बहुत मुश्किल से दिखता है ये। यहाँ पर और एक हिरण है यहाँ पर, ये देखिए एक नज़दीक से हम आपको जूम करके हिरण दिखाते हैं। ये सुनहरे रंग का गोल्डन कलर का एक डियर है जो हमारे काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो मित्रों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों ये फाइनली जंगल सफारी के लिए एक बस तैयार है यहाँ पर, ये देखिए। और बहुत सारे बस ऐसे हैं, पिंजरे पिंजरे जो पिंजरे वाला केज वाला बस है। मित्रों फाइनली हम जंगल सफारी के लिए गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये बस है, मिरर मिरर वाला बस है, कांच लगा है सब तरफ। और देखते हैं घंटे का सफर जंगल सफारी। ये काला भालू, ये जो है ना सर्वाहारी होते हैं, मांस वगैरह भी खाते हैं और शाकाहारी भोजन भी। यहाँ पे ना सफारी में शाकाहारी भोजन दिया जाता है, जो भोजन में इधर देखेंगे ना राइट साइड में सफेद पूरा कलर में दिखाई दे रहा है, वो काला ही है। मेल जो रहेगा ना काला और सफेद रहेगा, उसका फीमेल जो है सफेद पूरा कलर में रहेगा। बड़ा सा बैठा हुआ है ना, बड़ा बड़ा सिंह वाला, ये सांभर डियर है। और उसके आगे में देखेंगे नील राय, जो डॉट डॉट वाले दिख रहा है वो स्पॉटेड डियर है, उसको चीतल बोलते हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो राइट साइड में देखेंगे वो बैठा हुआ काला है। वही चमकदार रहता है, वही पंख फैलाता है, जो फीमेल जो रहता है। राइट साइड में देखेंगे ना काला का भी है। ये जो बड़ा दिख रहा है सिंह वाला मेल है वो। ये नील गाय भी है। एक मिनट ये इसको ले लो फोटो, इसको इसको कहाँ जा रहा है? उस तरफ से ले लो, उस तरफ देखो। भगे पर अगर बोली ऊपर हो गए ये हमारे गाइड भैया हैं जो जानवर के स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सारे जानवरों के बारे में जानते हैं। और ऐसे गाइड के रूप में यहाँ पर हम लोग को बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या जानवर हैं और वो किस नस्ल के जानवर हैं, उनके नाम और उनका बर्ताव। तो भैया आपका हमारे चैनल में स्वागत है और मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को ऐसे बताओ आप, और ये बताओ ये जंगल सफारी है कितने एकड़ में फैला है? 1200 एकड़ से 1200-1600 एकड़ 1200 से 1600 एकड़ के बीच में फैला है। 1200-1600 एकड़ 1200-1600 एकड़। अच्छा, और ये बताओ भैया ये जो जंगल सफारी अपन जो गाड़ी में घूम रहे कितना किलोमीटर में घूम रहे हैं अपन? ये करीब पड़ेगा आपको 16 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, लगभग 1 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, तो भैया इस गाइड के रूप में आप सेवा कब से दे रहे हैं भैया? 16 में चालू हुए। 16 से?
और ड्राइवर साहब आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं ऐसे ड्राइवर के रूप में? 2015। अरे क्या बात है, लंबा समय हो गया है। और आप लोग सब साथी हैं हमारे चैनल में, स्वागत है आप लोग का। तो मित्रों बाघ विहार में हम जाने वाले हैं, यहाँ पर हम टाइगर को देखेंगे। टाइगर जो है हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है हमारे देश का। इलेक्ट्रॉनिक ये गेट है, इलेक्ट्रॉनिक गेट है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मशीनों द्वारा खोला जाता है और खुले में इंसान का यहाँ प्रवेश वर्जित है, इसलिए हम गाड़ी में बैठे हैं। तो उम्मीद करते हैं मित्रों कि यहाँ पर हमें बाघ दिख जाए। और ये गाइड भाई साहब बता रहे हैं कितने टाइगर हैं यहाँ पर? यहाँ पे दो टाइगर जिंदा है अभी। उसनिंदा है। एक फिल्म आया था टाइगर अभी जिंदा है, तो हम कहेंगे दो टाइगर जिंदा है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे मित्रों। ये जंगल सफारी रायपुर, नया रायपुर है। और हमने अभी आपको हिरण दिखाया, हिरण के बहुत सारे प्रजाति दिखाया। मित्रों हमें जिस चीज की तलाश थी वो आखिर हमें दिख गया, ये है टाइगर, इंडियन टाइगर है। देखिए मित्रों, देखिए हम सुबह से ही इस टाइगर की खोज में थे। ये काफ़ी शर्मीले होते हैं और आलसी स्वभाव के होते हैं। दिन में ये सोते हैं मित्रों, और रात में ये शिकार के लिए निकलते हैं। बहुत सारे हिरणों को रखा गया है जिसका ये शिकार खुद करते हैं। यहाँ पर दो बाघ है, एक मेल और फीमेल। ये देखिए, ये है इंडियन टाइगर जिसकी तलाश में हम थे। और आज का हमारा उद्देश्य था जो पूरा हुआ, टाइगर का हमें जो है दिखना काफ़ी बढ़िया रहा। और इसका बहुत सारा हम इमेज लेंगे, फ़ोटो लेंगे। हम चाहते थे कि हमें बाघ दिखे, टाइगर दिखे। ये देखिए मित्रों, काफ़ी अच्छा फुटेज है। ये काफ़ी ख़तरनाक जीव होता है और इंसानों पर हमला कर देता है। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर दो बाघ रखा गया है इस बाड़े में। और शेर देखने के बाद, टाइगर देखने के बाद हमारा सफ़र ये पूरा होता है। तो मित्रों फाइनली हमने आपको टाइगर दिखाया और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पूरा ये इलाका टाइगर का है, दो टाइगर यहाँ पर है। और इनको खाने के लिए हिरन विरन दिया जाता है। ये समूचा इलाका बाघ का है। हमारा ये सफ़र जंगल सफारी नया रायपुर जो है, इसका सफ़र पूरा होता है। हमने बाघ दिखाया, बाघ देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगा और ये हमारा ट्रिप लगभग पूरा हो गया है। मित्रों फाइनली हमने आपको जंगल सफारी दिखाया। ये जंगल सफारी के अंदर का भाग है जिसमें हमें एक बाघ दिखा और बहुत सारे हिरण देखे। तो फाइनली हमारा ये सफ़र जंगल सफारी का आज पूरा होता है मित्रों। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दिखा सकें। ये बाहर का एंट्रेंस है, ये देखिए मित्रों, और मैं बाहर हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए बाहर का एंट्रेंस है। ये जंगल सफारी लिखा है पीछे। तो हमने पहले जू दिखाया आपको, उसके बाद जंगल सफारी में एक हमको बाघ मिला, शेर तो नहीं दिखा और बहुत सारे हिरण देखे। और ये सफ़र आज हमारा। तो मित्रों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दिखा सकें। मैं कैमरा पर्सन विजय कुमार साहू, नवा रायपुर जंगल सफारी से।